Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic the DNA. शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेकेंड न्यूक्लियोजोम एंड थर्ड क्रोमेटिन बेटा बी पार्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछा है कि डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोनोक्टमर न्यूक्लियोजोम और क्रोमेटिन कैसे इन्वॉल्व रहते हैं और बी पार्ट में हमें क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस बताना है सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा जो डीएनए होता है वो अपने आप को हिस्टोन ऑक्टमर के चारों तरफ कॉल करके रखता है अब हिस्टोन ऑक्टमर क्या होता है बेटा हमारी बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि इनमें जो अमीनो एसिड्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं लाइसिन और आर्जेन इन दोनों अमीनो एसिड की साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसी वजह से हिस्टोन प्रोटीन

क्लियर अब ये जो डीएनए होता है न्यूक्लियो पे जब कॉयल हो जाता है तो ये न्यूक्लियो बना देता है क्रोमेटिन फाइबर्स तो एक क्रोमेटिन पे जो न्यूक्लियोजोम होते हैं वो अपेयर होते हैं बीच ऑन स्ट्रिंग की तरह एक धागे पे मोती की तरह इसके बाद ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो सेल डिविजन में मेटाफेज स्टेज में बना देता है क्रोमोजोम्स और इस तरह से हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैक हो जाता है हायर लेवल पे बेटा पैकेजिंग के लिए नॉन स्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व रहे

अब बेटा इस टॉपिक को यानी डीएनए पैकेजिंग को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है आप वहां से जाके सुन सकते हैं उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे क्लियर बेटा देन बी पार्ट में हमें यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को डिफ्रेंशिएट करना था तो बेटा जो यूक्रोमेटिन होता है वो क्रोमेटिन का वो रीजन है जो लूजली पैक्ड होता है और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होता है यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होने के कारण लाइट स्टेन करता है और हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन करता है यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव क्लियर सो यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन स्टेन्स लाइट एंड हेट्रो Chromatin stains dark. Euchromatin transcriptionally active chromatin and heterochromatin transcriptionally inactive chromatin. So I hope this question is clear to you. Thank you.